ऐसी तमाम खवातीन जो प्रेग्नेंट होने से पहले या प्रेगनेंसी में ब्लड प्रेशर की मरीज बनती हैं, उनके लिए कुछ हदायत बहुत ज़रूरी हैं। वो क्यों ज़रूरी हैं कि उस ब्लड प्रेशर का अफेक्ट ना ही उनकी सेहत पे होता है बल्कि उनके बच्चे की सेहत को भी मुतासर करता है। उसकी वजह से उनको जो है बच्चे की जो ग्रोथ है वो अच्छे तरीके से नहीं होती, बच्चा जो है पूरे दिनों से पहले पैदा हो सकता है, या बच्चे की नशोनुमा में किसी भी किस्म की कमी रह सकती है, बच्चे का वजन कम हो सकता है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, डॉक्टर आयशा आप से मुखातिब हैं जच्चा बच्चा के पैनल से। हमारी आज की वीडियो में छोटी सी बात हमने डिस्कस करनी है कि ऐसी तमाम खवातीन जिनको हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम दरपेश आती है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, या जो ऑलरेडी हाई ब्लड प्रेशर की मरीज होती हैं, ठीक है, उन पेशेंट्स के लिए कि वो कौन सी ऐसी चीज़ें कर सकती हैं जिनसे वो अपने ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में ला सकती हैं। इसमें दो तीन कैटेगरीज आती हैं, ऐसी खवातीन जो ऑलरेडी ब्लड प्रेशर की मरीज ना हों, ठीक है, जिनको कोई गुर्दे का इशू हो या पहले से वो डायबिटिक हो और वो ऑलरेडी ब्लड प्रेशर की मेडिसिंस लेती हो, ऐसे खवातीन के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो ऑलरेडी अपने आप को अपनी बॉडी को स्टेबलाइज करें बिफोर के वो प्रेग्नेंट हो। अब वो खवातीन जो ऑलरेडी ब्लड प्रेशर की मरीज हों उनके लिए बहुत ज़रूरी है कि वो अपनी खुराक में जो नमक है उसका इस्तेमाल बहुत ही कम करें, और ख़ास तौर पर सोडियम, जो नमकियात होता है उसमें सोडियम उनके खुराक में बहुत कम मात्रा में शामिल होना चाहिए। इसका आसान तरीका है कि जो भी खुराक वो लें उसमें नमकियात में जो चीज़ें मेंशन होती हैं जिसको हम अंग्रेज़ी में इंग्रेडिएंट्स भी कहते हैं, तो वो उससे देख सकते हैं कि उसमें सोडियम मौजूद है कि नहीं, तो अवॉइड करें ऐसे सॉल्ट्स जिसके अंदर सोडियम मौजूद हो। दूसरी खवातीन वो आ जाती हैं जिनको प्रेगनेंसी में ब्लड प्रेशर की शिकायत होती है। ऐसी तमाम खवातीन जो प्रेग्नेंट होने से पहले या प्रेगनेंसी में ब्लड प्रेशर की मरीज बनती हैं, उनके लिए कुछ हदायत बहुत ज़रूरी हैं। वो क्यों ज़रूरी हैं कि उस ब्लड प्रेशर का अफेक्ट ना ही उनकी सेहत पे होता है बल्कि उनके बच्चे की सेहत को भी मुतासर करता है। उसकी वजह से उनको जो है बच्चे की जो ग्रोथ है वो अच्छे तरीके से नहीं होती, बच्चा जो है पूरे दिनों से पहले पैदा हो सकता है, या बच्चे की नशोनुमा में किसी भी किस्म की कमी रह सकती है, बच्चे का वज़न कम हो सकता है। इसके अलावा आपने बहुत सुना होगा कि अगर ब्लड प्रेशर कंट्रोल ना हो तो उसकी वजह से फीमेल्स की बॉडी में बहुत रैपिडली स्वेलिंग डेवलप हो सकती है, उनको दौरे पड़ सकते हैं जो कि मिर्गी के दौरों से मुख्तलिफ होते हैं और उसकी ट्रीटमेंट भी बिल्कुल मुख्तलिफ है। तो इसलिए जो ब्लड प्रेशर का कंट्रोल है ये इंतहाई इम्पॉर्टेंट है ऐसी तमाम फीमेल्स के लिए जो ऑलरेडी नॉन हाइपरटेंसिव हैं या जिनको प्रेगनेंसी के दौरान ब्लड प्रेशर की शिकायत हो। ब्लड प्रेशर को घर में मौजूद टोटकों से हल करने की कोशिश बिल्कुल भी ना करें। इम्पॉर्टेंट ये है क्योंकि कोविड है तो आप अपने ब्लड प्रेशर को किसी करीबी क्लिनिक या अपने घर पे मॉनिटर करें। आप इसमें अपनी ये वैल्यू रखें कि जो पेशेंट्स ऑलरेडी हाइपरटेंसिव हैं उनका ब्लड प्रेशर 135/85 होना चाहिए, ऊपर का ब्लड प्रेशर 135 और 140 के दरमियान में होना चाहिए, और नीचे का ब्लड प्रेशर 80/85 के दरमियान में होना चाहिए। अगर उनका ब्लड प्रेशर दवाइयां खाने के बावजूद इस पे कंट्रोल नहीं है फिर उनको अपने डॉक्टर से रजू करने की ज़रूरत है। दूसरी खवातीन वो आती हैं जो कि प्रेगनेंसी में हाई ब्लड प्रेशर डेवलप करती हैं। प्रेगनेंसी में हाई बीपी कब इम्पॉर्टेंस रखता है? ऐसी तमाम खवातीन जो 20 वीक्स मीन्स के 5 महीने अपनी प्रेगनेंसी के कंप्लीट कर चुकी हों और उसके बाद अगर उनका ब्लड प्रेशर मुसलसल ऊपर वाला ब्लड प्रेशर 140 और नीचे वाला ब्लड प्रेशर 90 के करीब है, तो ऐसी खवातीन को अपना ब्लड प्रेशर मॉनिटर करना चाहिए, और अगर मुसलसल उनकी 2 से 3 मरतबा ये रीडिंग्स आती हैं देन दे शुड कॉन्टैक्ट द डॉक्टर। ऐसी खवातीन को जो है वो मेडिसिन की ज़रूरत होती है। प्लीज़ आपसे गुजारिश है कि घर में मौजूद टोटकों को मिसाल के तौर पर गार्लिक ऑयल या कैस्टर ऑयल, या खवातीन डिफरेंट किस्म की हर्ब्स यूज़ करती हैं जिससे हमारा ब्लड प्रेशर जो है कंट्रोल में आ सकता है, प्लीज़ इस किस्म का कोई भी रिस्क घर बैठ के ना लें क्योंकि ये आपके लिए और आपके बच्चे की सेहत के लिए बहुत ही मुज़र असरात पैदा कर सकता है। अब खवातीन जो या तो हाइपरटेंसिव हों पहले से ही जिनको हाई ब्लड प्रेशर का मसला हो, या ऐसी खवातीन जो कि नॉर्मल हों ड्यूरिंग होल प्रेगनेंसी लेकिन उनको कभी भी ऐसा सिम्टम या ऐसी इलामत जाहिर हो, तो उनको फौरी तौर पे अपने डॉक्टर से रजू करने की ज़रूरत है। मिसाल के तौर पे अगर आपके सर में इतना शदीद दर्द हो रहा है जो कि सिंपल पेन किलर लाइक
पेनाडोल से ठीक नहीं हो रहा, क्योंकि प्रेगनेंसी में सिवाय पेनाडोल के डॉक्टर्स मोस्टली कोई और पेन किलर रिकमेंड नहीं करते। दूसरे नंबर पे अगर आपकी आँखों से आपको धुंधला नज़र आ रहा हो या आपकी आँखों में फ्लैश आई लाइट का, और तीसरी चीज़ कि आपकी पसलियों के नीचे वाली जगह पे बहुत ज़्यादा शदीद किस्म का दर्द हो, ख़ासतौर पे जहाँ पे जिगर होता है अगर उस साइड पे आपको दर्द हो रही हो, अगर आपको मेदे में शदीद किस्म की ऐसी जलन या दर्द महसूस हो जो कि नॉर्मल एंटी एसिड्स जो मेडिसिन डॉक्टर देते हैं तेजाबियत के लिए उनसे वो ठीक ना हो रही हो, या आपके चेहरे पे या आपके हाथ पैरों पे बहुत तेज़ी के साथ सूजिश आना शुरू हो जाए और आपको महसूस हो कि आपकी बॉडी में पानी एक्यूमुलेट हो रहा है, और सबसे आखिरी बात कि अगर आपको अपनी तबीयत किसी भी वजह से ठीक महसूस नहीं हो रही, आप अपने आप को ड्राउजी महसूस कर रहे हैं, आपका आपको जो लाइट है शोर है वो बुरा लग रहा है, ये ऐसी अलामत हैं कि इसमें हामला ख़वातीन को घर नहीं बैठना, उनको फौरी तौर पे अपने करीबी हॉस्पिटल या किसी भी मुस्तनद डॉक्टर से मशवरे की अशद ज़रूरत होती है। तो ये अलामत जो है इनको बिल्कुल इग्नोर नहीं करना, और अगर किसी भी खातून को जो कि प्रेगनेंट हों उनको ये सिम्टम्स डेवलप होते हैं, देन शी नीड टू सी अर्जेंटली डॉक्टर और गुड हॉस्पिटल, शी नीड्स टू मोनिटर। और अगर आप घर पे आपके पास ब्लड प्रेशर का आला मौजूद है तो सबसे पहले आप उसमें अपना ब्लड प्रेशर ज़रूर चेक करें, और अगर वो ज़्यादा है तो डायरेक्टली प्लीज़ किसी भी हॉस्पिटल से जल्द कॉन्टैक्ट करें। दूसरी चीज़ मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि ऐसी तमाम ख़वातीन जिनकी फैमिली हिस्ट्री हो हाई ब्लड प्रेशर की, किसकी किसी की बहन को या जिनकी अपनी अम्मी की प्रेगनेंसी में हाई ब्लड प्रेशर रह चुका हो, अगर आपकी बहन में हाई ब्लड प्रेशर रहा हो उसकी प्रेगनेंसी के दौरान, अगर आपकी प्रीवियस प्रेगनेंसी में आपको हाई बीपी रहा हो, या आपका पिछला बच्चा जो है वो छोटा हो, वज़न में बहुत कम हो, या आपकी डिलीवरी वक्त से पहले हो गई हो बगैर किसी वजह के, ऐसी तमाम ख़वातीन जो होती हैं वो हाई रिस्क होती हैं, वो उनके लिए प्रेगनेंसी में ब्लड प्रेशर ज़्यादा होने के चांस बहुत ज़्यादा होता है और उनके लिए कॉम्प्लिकेशन का रिस्क भी बढ़ जाता है। और ऐसी तमाम ख़वातीन को अपनी प्रेगनेंसी के स्टार्ट से किसी भी अच्छे ऑब्स्टेट्रिशियन के साथ अपनी बुकिंग करानी चाहिए, क्योंकि ऐसी ख़वातीन को कुछ ख़ास दवाइयों की ज़रूरत होती है ताकि उससे उनके और उनके बच्चे की नशोनुमा और उनकी सेहत जो है उस पर मुज़र असरात ना हो। अपना अपने बच्चों का ख्याल रखिएगा, और मज़ीद सवालात के लिए हमें मैसेज करते रहिए।